मार्क्स का है, तो तुम ये दो पॉइंट मतलब कि यार वीक वीक गवर्नमेंट एंड डिसकंटेंटमेंट, पर्सनालिटी ऑफ हिटलर एंड यार प्रीटी ऑफ वर्सलिस, दिस डिक्टेटरशिप, तो इधर से यार क्या क्या क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कहाँ कहाँ जगह कितना कितना पॉइंट्स कितना कितना चीज हमको याद में रखना है, ये लेके आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तूने मेरे को अभी तक अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया जाकर कर सकते हो, क्योंकि मैं उधर लाइव आता रहता हूँ एंड तुम लोगों से डायरेक्टली बात भी करता हूँ। सो फ्रॉम दिस थ्री चैप्टर्स वी एक्सपेक्ट वन और टू क्वेश्चंस इन सेक्शन बी या फिर पार्ट टू में। ठीक है, मतलब जो हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उधर। सो आई वुड रादर रिकमेंड यू कि यार तुम इधर से जो भी क्वेश्चंस आने वाला है यार उसको करो, क्योंकि यार ये बहुत आसान चैप्टर है एंड कहाँ से क्या क्या पढ़ना है मैं वो आज इस वीडियो के अंदर तुमको बोल दूंगा। ठीक है कि यार इतना सा ही पढ़ो और इसका इतना इतना पॉइंट सिर्फ याद रखो या फिर लर्न कर लो या फिर रट्टा मारो। ठीक है, और अगर इन तीनों चैप्टर से अगर तुमको दो क्वेश्चंस आ गया फ्रॉम दैट पार्ट, तो आई वुड रादर रिकमेंड यू कि यार बहुत आसान है भाई, यही चीज करो, क्योंकि यार इधर से तुमको मार्क्स हमेशा उठता है, सिर्फ पॉइंट्स लिखना है और चीजें भी बहुत आसान है। मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। सो जितने भी आईसीएसई 2020 के स्टूडेंट हो लास्ट या फिर एंड तक वीडियो को देखना। ठीक है, तो यार चलो हम आते हैं डायरेक्टली यार वीडियो में, क्योंकि यार ज्यादा टाइम नहीं है, आईसीएसई 2020 बहुत नजदीक यार है। ठीक है, एक महीने के अंदर एग्जाम है। सो सुनो यार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या क्या पढ़ना है यार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से यार कॉजेस, ऑल फोर कॉजेस यार, क्या क्या कॉजेस था, तो चारों कॉजेस यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप, उसके बाद यार आर्मेचर रेस, उसके बाद मिलिट्री एग्रेशन एंड इमीडिएट कॉज। ठीक है, तो इमीडिएट कॉज हम में से बहुत सारे लोग सोचे भाई यार इमीडिएट कॉज आप क्यों लिखे, तो यार ये इमीडिएट कॉज जो है ना यार, इमीडिएट कॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यार इमीडिएट कॉज को थोड़ा ज्यादा हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि यार ये सेक्शन ए या फिर जो कंपलसरी पार्ट है उधर भी यार ये इमीडिएट कॉज का क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, हालांकि बाकी के पॉइंट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इमीडिएट कॉज इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपलसरी पार्ट व्हिच द क्वेश्चंस कम इन सेक्शन वन। ठीक है, सो इमीडिएट कॉज को अच्छे तरीके से देख लेना। इसके बाद क्या हमको पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है यार ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एंड कंसिक्वेंसेस, मतलब कि यार वर्ल्ड वॉर वन हो जाने के बाद जो ट्रीटी ने यार साइन करवाया था, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, उसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ था, मतलब कि उसका रिजल्ट क्या हुआ था। उसका रिजल्ट यार बहुत ईजी है, उसका रिजल्ट हुआ था यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब कि यार ऑस्ट्रियन हंगरी को बहुत सफर हुआ उसके बाद यार, इसी के वजह से मतलब क्या ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की वजह से ही तुम बोल सकते हो जर्मनी में एंड यार इटली में ये जो डिक्टेटरशिप है ना ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यार हुआ था क्या एक्चुअली यार, जर्मनी इतना खराब हाल हो गया था उसको कि यार उधर से उनका यार इतना चीज ले लिया गया था, इतना डेप्थ में पड़ गया था एंड जो यार उस टाइम में जो राइजिंग नेशंस था वो उसको इतना दबाव कर रहे थे कि यार जर्मनी ये सब छोड़ के उठना चाहता था। ठीक है, सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रीजन भी यार इसका कुछ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस कई हद तक है या फिर मेन रीजन बोल सकते ये है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है क्योंकि यार अगर ये चीज इतना बुरी तरीके की में अगर इफेक्ट नहीं करता ऑस्ट्रिया को, हंगरी को या फिर जर्मनी को एंड इटली को, देन यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, सो हमको पढ़ना क्या है, सीधा की मुद्दे पे बात पे आते हैं, हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, नंबर उठाना है इसमें। ठीक है, नंबर उठाना है, तो सुनो यार तुमको यार इसके बाद पढ़ना है यार फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन व्हाई लीग ऑफ नेशन फेल्स, ये यार हम लोग यार आ सकता है यार क्वेश्चन, मतलब कि यार कंपलसरी पार्ट में भी यार ये वाला क्वेश्चन आ सकते हैं और अदरवाइज अगर इधर से जो क्वेश्चन आएगा उधर से भी यार फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन आ सकते हैं। ठीक है, बट हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसको यार कंपलसरी पार्ट में या फिर शॉर्ट पार्ट में। ठीक है, लॉन्ग पार्ट में बहुत कम होते हैं बट शॉर्ट पार्ट में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं लीग ऑफ नेशन को। ठीक है, हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म, इतनी कम टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म। ठीक है, जितना जिस बोला उतना पढ़ो, नंबर इजीली आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आता है यार राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप मतलब डिक्टेटरशिप क्यों हुआ था, हिटलर एंड मुसोलिनी क्यों हुआ था, मतलब क्या इटली में मुसोलिनी एंड जर्मनी में हिटलर क्यों आया था इसका रीजन है, बट पढ़ना पड़ेगा क्या तुमको यार कॉजेस ऑफ फैसिज्म, कॉजेस क्या कॉजेस या फिर कॉजेस क्या था फैसिज्म होने का, कॉजेस क्या था, इतना बुरी तरीके से इटली को ट्रीट किया गया था ना उस टाइम में, इसीलिए यार फैसिज्म हुआ था। ठीक है, तो क्या क्या कॉजेस इंपॉर्टेंट है जो आईसीएसई पूछता है, नंबर वन यार वीक कॉज, मतलब क्या वीक गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत वीक हो गया था इन इटली। ठीक है, इसके बाद क्या डिसकंटेंटमेंट आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ठीक है,
ये दो पॉइंट तुम लिखोगे अगर तुमको यार आता है व्हाट आर द कॉज ऑफ फैसिज्म इन योर दैट पार्ट, मतलब क्या सेक्शन बी में जो क्वेश्चन जो यार बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का, अगर 4 मार्क्स का है तो तुम ये दो पॉइंट मतलब कि यार वीक गवर्नमेंट एंड डिसकंटेंटमेंट एंड अलॉन्ग विद योर ये दोनों चीज तुम दोगे, इसके साथ दो और पॉइंट जो तुमको लगता है कि हाँ ये दो पॉइंट अच्छा है वो दो पॉइंट तुम अपने से ऐड कर सकते हो ठीक है। बट ये वीक गवर्नमेंट एंड डिसकंटेंटमेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जरूर देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड मार्क्स भी अच्छे तरीके से कैरी करता है ठीक है। हो गया, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ फैसिज्म ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फैसिज्म ज्यादा नहीं है 3 to 4, मैं क्यों बोल रहा हूँ 3 to 4, 3 to 4 में इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो कि तुमको अगर 3 या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं फ्रॉम व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फैसिज्म, मान लो कि 3 मार्क्स का दे और अगर तुम चारों पॉइंट रिमेंबर करके जाते हो ना और मान लो किसी एक पॉइंट हॉल में जाके तुम भूल गए बट फिर भी 3 पॉइंट तुम अच्छे सारे तरीके से लिख पाओगे एंड इफ 3 मार्क्स इज देयर ऑन दैट क्वेश्चन यू विल गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स। दिस इज द मेन थिंग व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग कि 3 से 4 पॉइंट जस्ट रिमेंबर कर लो या फिर रट्टा मार लो ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद क्या यार सुनो, इसके बाद यार कॉज ऑफ नेसिज्म ठीक है, हम लोग फैसिज्म कंप्लीट हो गया ठीक है, फैसिज्म कंप्लीट हो गया। अभी हम आता है यार कॉजेस ऑफ नेसिज्म में, नेसिज्म का कॉजेस क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस सेम पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इसके तहत यार सब सारा कुछ हुआ था एक्चुअली। एंड पर्सनालिटी ऑफ हिटलर, ये जो दो पॉइंट है ना यार ये दो पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन पूछे पर्सनालिटी ऑफ हिटलर एंड यार ट्रीटी ऑफ वर्सलिस दिस 2 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद तुम जो पॉइंट देना चाहते हो बुक से देख के वो दे सकते हो ठीक है, बट मेन आई शुड रिकमेंड यू टू राइट दिस 2 पॉइंट एज फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। इसके बाद जो मर्जी है या फिर क्वेश्चन के तहत तुम जो लिखना चाहते हो वो लिखो बट दिस 2 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। इसके बाद 2 पॉइंट अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो लिख दोगे, रट्टा मारो लिख दोगे ठीक है, बट ये 2 पॉइंट आना होना चाहिए ठीक है। इसके बाद हम आता है सिमिलरिटी एंड डिफरेंस ऑफ नेसिज्म एंड फैसिज्म ठीक है। सिमिलरिटी यार 2 पढ़ लो ठीक है एंड डिफरेंस भी यार 2 से 3 पढ़ लो बस हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ तुमको यार पूछा नहीं जाएगा फ्रॉम दिस चैप्टर और फ्रॉम दिस पार्ट। सो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप भी कंप्लीट हो गया ठीक है यार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप कंप्लीट, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़ना है मैं लिख दिया ठीक है यार, अगर हो सके तो यार जूम इन करके दिखा देख लो एक अच्छी तरीके से यार, ये हो गया। इसके बाद क्या यार, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भैया सेकेंड वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ना है, जितना भी चीज बोल रहे हो यार पूरा प्रैक्टिकल ट्रायल एंड टेस्टेड है, इसके तहत या फिर इसके अलावा कोई क्वेश्चन उनको पूछा नहीं जाएगा इन योर ICSE 2020, इतना गारंटी ले रहा हूं ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड में हमको क्या क्या पढ़ना है, सेकेंड वर्ल्ड में फर्स्ट पढ़ना है कॉजेस। तो भैया अगर हमको पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगर 3 से 4 मार्क्स आया था तो क्या क्या लिखेंगे, देखो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर लिखोगे मार्क्स कैरी ज्यादा करेगा या फिर टीचर को देख के लगेगा कि हाँ बच्चे को समझ में आया एंड एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये उठाया ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, राइज ऑफ फैसिज्म ठीक है यार, ये फर्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ फैसिज्म, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या यार, राइज ऑफ नेसिज्म, देखो यार बहुत आसान है, तुम ऑलरेडी नेसिज्म फैसिज्म पढ़ रहे हो, इसका राइज ऑफ फैसिज्म राइज ऑफ नेसिज्म ये दोनों का चीज तुम बड़ा करके लिख सकते हो, ये इटली में हुआ था ये ऐसा करके तुम पूरा लिख सकते हो ठीक है, पूरा बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है। इसके बाद यार जापानीज पॉलिसी, जापानीज क्या मतलब क्या, जापानी अपने जो कंटिनेंट है मतलब क्या कंट्री उसको यार बड़ा करने के लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाया था ठीक है, और उसके बाद कहाँ जाकर अटैक किया वो भी लिखना पड़ेगा। एंड ऊपर से हिटलर इन्वेशन ऑफ पोलैंड, ये मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है एंड बोल सकते हो यार ये इमीडिएट कॉज है, ये यार इमीडिएट आईसी में लिख दिया ठीक है, यार इमीडिएट कॉज है एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। सो हिटलर्स इन्वेशन और इन्वेड पोलैंड वो वाला जो पॉइंट है वो मैं भूल गया यार, वो वाला जो पॉइंट है वो ठीक से जाकर लिख लेना क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है कंसीक्वेंसेस ठीक है, इसके बाद पढ़ना है कंसीक्वेंस, क्या क्या कंसीक्वेंसेस हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। नंबर 1 इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन डिफीटेड कंट्री, जो यार जो कंट्री हार गया था जर्मनी हार गया था वो जो भी कंट्री हार गया था उसके ऊपर जो इंपैक्ट हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वाला तुमको यार जितना हो सके लर्न कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के आओ ठीक है। इसके बाद डिविजन ऑफ वर्ल्ड इंटू 2 ब्लॉक्स, उस टाइम यार वर्ल्ड 2 ब्लॉक में डिवाइड हो गया, एक था यूएसए के साथ एक था जर्मनी के साथ ठीक है, 2 ब्लॉक में डिवाइड हो गया, फिर से यार एक कोल्ड वॉर होने की यार चांस था ठीक है कोल्ड वॉर। तो ICSE 2020 या फिर ICSE 2017 के बाद यार जो कोल्ड वॉर का जो चैप्टर है ना वो बंद हो गया क्योंकि यार वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
सो दैट्स व्हाई आई रोट कोल्ड वॉर इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड कोल्ड वॉर किसी को पढ़ना नहीं है, ठीक है, कोल्ड वॉर पढ़ना नहीं है क्योंकि ये कभी नहीं आएगा, सिलेबस में भी उतना इंपॉर्टेंट या फिर खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले था अभी के लिए नहीं है, ठीक है, 2020 के लिए नहीं है, राइट right? इसके बाद क्या है, यूएनओ, फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ एंड डिविजन ऑफ, मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट अच्छे से यार रिमेंबर कर लो, एंड लास्ट में मान लो अगर चार क्वेश्चन या फिर चार मार्क्स का पॉइंट दिया गया तब कोल्ड वॉर लिखो, अदरवाइज कोल्ड वॉर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी पॉइंट दे सकते हो, ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू राइट फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सो आई होप कि यार पूरा चीज यार खत्म हो गया, मतलब कि यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया, तो इतनी कम टाइम में हम यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये चार तीनों चैप्टर क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना यार कंप्लीट कर दिया, ठीक है, सो आई होप यार जितनी चीज मैंने बोला तुम लोग यार दिमाग में या फिर ध्यान में रखोगे, एंड ये जितनी चीजें बोला ये पढ़ के इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन आईसीएसई विल नॉट गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम दिस पार्ट, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यार प्लीज लाइक करना, एंड ये वीडियो को अपने जो जितने भी यार बैचमेट्स है आईसीएसई 2020 के उनके साथ यार शेयर करना, ठीक है, ताकि उनको भी यार इंपॉर्टेंट चीज जानकारी मिले, एंड जैसे यार आप लोग ने रिक्वेस्ट किए थे अबाउट दिस वीडियो, सो आई हैव मेट दिस, एंड इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो कमेंट में मिलो, और इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट मिलो, ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड टाइम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट टाइम.